हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि पंजवानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी सिंड्रेला। लास्ट की वीडियो में हमने इनकम मेथड कवर किया था, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का, जो कि बहुत ही इजी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को आप एंड तक देखिए। अब बात करते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इनकम मेथड में। इनकम मेथड का मतलब कि बहुत सारी इनकम, जितने भी हमारे फैक्टर्स रहते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब अपने फैक्टर सर्विस के बदले कुछ अर्न करते हैं। जैसे लैंड के बदले रेंट करते हैं और लेबर के बदले वेजेस करते हैं और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट करते हैं और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट करते हैं। तो मतलब ये सबकी इनकम। इस मेथड में ये बोला जाता है कि जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं, उन सब की इनकम को प्लस करके हम अपनी इंडिया की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसीलिए इसमें आप देखेंगे कि जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो कहीं से भी हो, जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, या आप टीचिंग लाइन में हो, या आप सर्विस या कमीशन की लाइन में, जो भी व्यक्ति या पर्सन अगर इनकम जनरेट कर रहा है, उसकी इनकम को हम इसमें ऐड करते हैं। देखते जाओ कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। पहला आपको जो क्वेश्चन में सर्च करना है, इनकम कर रहे हैं मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब जो काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और एम्प्लॉयर मतलब जो उनको काम पे रखा है, जो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको उनके काम के बदले में जो भी एम्प्लॉयर रहते हैं वो कंपेंसेट करते हैं। जैसे अगर वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में आए, उसने कुछ काम किया और उसके काम के बदले में उनको कंपेंसेट करना, मतलब उसको उसके काम के लिए उसको पैसा देना। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपनी कंपेंसेशन तो रिसीव करेंगे ना एम्प्लॉयर से। तो पहले क्वेश्चन में आपको सर्च करना है क्या, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये भी इनकी अर्निंग है। अगर ये क्वेश्चन में अगर आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया है, तो आपको तीन पॉइंट दिए होंगे। पहला दिया होगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, फिर दिया होगा या तो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, या दिया होगा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अब आप बोलेंगे कि ये क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, कंपेंसेट कर रहा है उनके काम के बदले में, मतलब इनडायरेक्टली वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो उनको वेजेस और सैलरी ही दे रहा है। तो कंपेंसेट करना मतलब वेजेस एंड सैलरी ही होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा तो डायरेक्ट से इसको लेके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, बाकी में ऐड करने के लिए। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये तीनों में से कोई एक दिया होगा, या वो उनको वेज और सैलरी कैश में दे रहा है, या वो वेजेस और सैलरी उसको किस में काइंड में दे रहे हैं, उसको हाउस दे रहा है रहने के लिए, कार दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, या कुछ ऐसा चीज उसको यूज करने दे रहा है, वो भी उसकी इनकम ही हुई ना, या उसको सोशल सिक्योरिटी जैसे कि पीएफ, ग्रेच्युटी फंड, ये सब होता है ना, पीएफ पेंशन, तो ये सोशल सिक्योरिटी में उसका कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उसके काम का ही पैसा उसके लिए जमा हो रहा है, तो वो भी उसकी क्या है, इनकम। तो ये तीनों में से अगर तीनों दिए होंगे तो प्लस करके लिख लेना, अगर या तो फिर एक दिया होगा, ये एक दिया होगा तो आप लोग सोचे कि कैसे, तो बाकी लोगों को जीरो जीरो कर लेना और इसको, तो जैसे कि ये 10 है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो इसको 10 ले लेना। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारा क्या आ गया, 10। तो पहला पॉइंट तो हमने देख लिया, हम सीरीज वाइज जाएंगे, ठीक है, ये हमने सर्च कर दिया। फिर आपको क्वेश्चन में ढूंढना है रेंट एंड रॉयल्टी। लैंड के बदले रेंट, मतलब कई लोग की इनकम किससे होती है, रेंट से होती है या रॉयल्टी से होती है। रॉयल्टी मतलब अगर वो अपना प्रोडक्ट उसको यूज करने दे रहा है अपने नाम पे, तो वो कुछ उससे चार्ज करता है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी, मतलब अपनी गुडविल उसको यूज करने दे रहा है तो उससे कुछ चार्ज करेगा। तो रेंट एंड रॉयल्टी सर्च करना या इंटरेस्ट करना, लोगों को इनकम कहाँ कहाँ से होती है, बस इस क्वेश्चन में वो सर्च करना है। तो पहले तो सैलरी से होती है या रेंट से होती है या इंटरेस्ट से होती है। इंटरेस्ट मतलब वो कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, उससे उसको पैसा आ रहा है, या उसको प्रॉफिट से होती है। देखो क्वेश्चन में ना ये तीनों आपको इंडिविजुअल दिए होंगे तो जैसे कि आप कंपेंसेशन प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट कर लिए, ठीक है, अब आप निकाल रहे हो। अगर ये तीनों नहीं दिए हैं, रेंट रॉयल्टी, तो आपको दिया होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ये तीनों को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये तीनों को प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है, इन तीनों के बदले आपको ये भी दिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो आप ये तीनों नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बाद क्या प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस में ये तीनों ऐड है, ठीक है।
ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया है, ये तीनों भी दिया है, तो इसको कंसिडर नहीं करना है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है, ये तीनों दिए हैं, तो आप इसको प्लस करके लिखना। और इसमें से भी इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो कुछ मत समझना, ये दिया दोनों को प्लस कर लेना, जो नहीं दिया होता उसको हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब मान लो प्रॉफिट अगर नहीं दिया हो तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट हम किस लिए यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या काम होते हैं, तो या तो आप उससे कॉर्पोरेट टैक्स पटाओगे, जैसे कि आपकी इनकम टैक्स होती है, प्रॉफिट आपको मिला तो आप बिजनेस रन कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है तुम हमारा यूज कर रहे हो लैंड वैन रिसोर्सेज ये सब, तो हमें टैक्स पटाओ, उसके बदले में कंपेंसेट करो, तो हम कॉर्पोरेट टैक्स पटाएंगे। या डिविडेंड, किसी ने अगर उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है तो आप उसको उसका शेयर दोगे, जैसे डिविडेंड दोगे। या तो फिर रिटेन्ड अर्निंग, उस प्रॉफिट को, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब जो प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो आप फ्यूचर के लिए बचा के रखते हो, उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है, ये तीनों दिए हैं, तो आप ये तीनों को प्लस करके अपना प्रॉफिट बना लेना। अगर इन तीनों में से भी एक चीज मिसिंग है तो उसको आप क्या ले लोगे, जीरो, ठीक है। तो आपके पहला पॉइंट क्या था, पहला आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है, फिर आपको रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट ये दिया होगा, अगर ये नहीं दिया होगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट आ गया उसमें, फिर आपको मिक्स इनकम दिया होगा। कई लोग क्या होते हैं, ऐसे इनकम अर्न करते हैं, जैसे अगर वो कमीशन है या ट्रेडिंग है, वो कहीं से टीचिंग से कमा रहा है, ट्यूशन फीस कमा रहा है, तो ऐसी जो भी इनकम रहती है ना वो स्पेसिफिक हेड में नहीं आती है, किसी लोग उसको मिक्सड इनकम लेते हैं, इनकम तो है ना। तो थर्ड कैटेगरी आएगी हमारी मिक्सड इनकम। ये तीनों अगर आप प्लस कर लिए तो इस तीनों को प्लस कर कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो निकलता है वो होता है एनडीपीएफसी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, ये डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास हमको निकालना क्या, नेशनल इनकम, निकालने का फॉर्मूला एनएनपीएफसी होता है, और गिवन क्या है, एनडीपीएफसी, क्योंकि हमने कंपेयर ये सब कैलकुलेट करके क्या निकाल लिया, डोमेस्टिक इनकम निकाल ली। अब देखो आप कैसे चेंज करेंगे, मैंने बोला था हम लोग राइट से लेफ्ट आते हैं। आपको प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट में चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। आपको नेशनल और ये नेट और नेट में चेंज दिख रहा है, नहीं, इसको चेंज नहीं करना। बस मेरे को दिख रहा है कि मुझे डोमेस्टिक से नेशनल करना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए क्या करते हैं, प्लस एन एफ आई ए, हो गया सिंपल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमारा इनकम मेथड बहुत ही इजी है, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो जितने ज्यादा हो सके। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड बताऊंगी, उसके बाद फिर हम एक एक करके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।